है दोस्तों, फेज थर्ड में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक एलपीयू में एडमिशन नहीं लिया, तो ये वीडियो उनके लिए है कि फेज थर्ड में क्या स्कॉलरशिप होने वाली है और क्या प्रोसेस है या कुछ चेंजेस हुए हैं, तो सारी डिटेल इसमें है कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो भाई इस वीडियो को देख लेना, उसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इसमें सारी बताने वाला हूँ कि क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली है और क्या फीस है, किस तरीके का प्रोसेस है। भाई मेरा एडमिशन हो चुका है, मैंने बीसीए में एडमिशन लिया था, बीसीए 3 साल ही कम्प्लीट करके अब मैंने यहाँ पे एमसीए में एडमिशन भी ले लिया, तो मैं और ज़्यादा अपडेटेड हो गया हूँ इस बार। तो अब भाई देखो, सबसे पहले आपको जब एडमिशन लेते हैं तो हर बंदा ये सोचता है कि यार कुछ फीस कम हो जाए, थोड़ी सी फीस कम हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे एक एलपीयू नेस्ट होता है, हर कॉलेज का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो इस कॉलेज का भी एलपीयू का भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ये मक्खी परेशान कर रही है, ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद, अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। तो इस कॉलेज का भी एक एंट्रेंस एग्जाम है एलपीयू नेस्ट करके, अगर आप उसको अच्छे से फोड़ते हो तो आपको 30,000-35,000 तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है, मतलब इतने पैसे कम हो जाने वाले हैं। और काफ़ी लोगों के डाउट ये होता है कि यार अगर एक बार स्कॉलरशिप लग गई तो क्या वो मार्क्स कमाने पे क्या हट जाएगी। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार स्कॉलरशिप लग गई तो लग गई, उसके बाद कभी कैंसिल नहीं होगी। अब आपने एलपीयू नेस्ट दे दिया, उसके बाद अच्छे नंबर आ गए, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, 3 कैटेगरी में यहाँ पे इनके स्कोर दिखाया जाता है। अगर आप इनमें से कोई सी भी कैटेगरी में आते हो तो आपको उसी के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप मिलती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ एक कोर्स का, सपोज करो बीसीए में जो स्कॉलरशिप चल रही है वो 38% है, और फर्स्ट कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में जो स्कॉलरशिप है वो 25% है, और थर्ड कैटेगरी में जो स्कॉलरशिप है वो है 20%। इसी तरह जितने भी रेस्पेक्टेड कोर्सेज है, चाहे आप बीसीए ले लो, एमसीए ले लो, बीटेक, बीएससी, एमएससी, कोई सा भी कोर्स, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आप एलपीयू के पोर्टल पे जा सकते हो एलपीयू एडमिशन करके, या फिर आपको लिख देना है एलपीयू और अपने कोर्स का नाम, तो वो उसका पूरी वेबसाइट पे आ जाएगा। वहाँ पे आपको चीज़ें चेकआउट कर लेनी है कि भाई हमारे कोर्स में कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, कौन सी इसमें कितनी स्कॉलरशिप चल रही है, क्या फ़ीस है। फीस के रिगार्डिंग मैं आपको दूसरी वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि भैया इस चीज़ की वीडियो हमें बना के दे दो, इस कोर्स की वीडियो, मैं उसकी पूरी डिटेल एकदम ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ें बना के दे दूंगा आपको। अभी बात करते हैं कि फेज थर्ड में क्या चीज़ें चेंज हुई है। फेज थर्ड में देखो, अभी तक तो फेज फर्स्ट में जो स्कॉलरशिप थी वो थी 40%, आपको जहाँ पे आपने एलपीयू नेस्ट दिया है उसी पोर्टल से सीट बुक कर लेनी है अपनी। सीट बुक में आप पहले पूरी फीस भी पे कर सकते हो या फिर आप 10,000 दे के आप पे कर सकते हो। उसमें एक फ़ायदा होता है, अगर आप 10,000 देते हो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो बाद में एडजस्ट होती है। पहले तो आपको पूरी फीस दिखाई जाएगी कि इतनी फीस है आपकी, तो जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपकी फ़ीस एडजस्ट होके जितनी आपकी स्कॉलरशिप के बाद होती है वो हो जाएगी। अब भाई देखो, इसको यहाँ पे जो एलपीयू नेस्ट का फॉर्म है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको फिल करके दे सकते हो। 50% का डिस्काउंट भी है, क्योंकि यार हम आपको बता रहे हैं एलपीयू के स्टूडेंट है। तो भाई मैंने बात करके, मगर सर यार कर दो, इन बच्चों का भला कर दो, तो इसलिए करा रखा है। अब आपका एलपीयू नेस्ट भी हो गया, एडमिशन भी हो गया, उसके बाद क्या, उसके बाद आपको यहाँ पे एलपीयू से कॉल आएगी कि आपकी ये डेट है जॉइनिंग डेट, जैसे अगस्त के फर्स्ट वीक में क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी जहाँ तक मेरा ख्याल है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जनवरी, फरवरी। या तो जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है कि एलपीयू सेफ है या नहीं है, या फिर पीजी सही रहेगा, हॉस्टल सही रहेगा, सॉरी वीडियो मैंने बना रखी है पूरी एलपीयू से रिलेटेड, पूरा चैनल एकदम भर के घेर रखा है। और दोस्तों देखो, हाँ भाई, चैनल मोनेटाइज होने वाला है, पूरे 4,000 आवर कंप्लीट हो गया है, बस 1,000 सब्सक्राइबर की कमी है, तो जल्दी से सब्सक्राइबर पूरे करा दो यार। 1,000 कराने के बाद फिर करता है कुछ और बड़ा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में नहीं, हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और लाइक करके जरूर चले जाना।